आना जाना करते रहते हैं। ये एक ऐसा पेड़ है जो दोनों तरफ साया देता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सब भाई हैं। ये है संकट मोचन मंदिर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हिंदुस्तान की एक ऐसी तस्वीर जिसमें प्यार है, सद्भावना है, भाईचारा है। और ये तस्वीर हमारे सच्चे हिंदुस्तान की एक ऐसी तस्वीर है जो कि बेमिसाल है। आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी दीवार जहाँ पे एक तरफ होता है भजन और दूसरी तरफ अजान। ये है अपनी हैरी, तो चलिए चलते हैं। ये है अपने साथ निशांत। हेलो दोस्तों। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ नवादा में। नवादा बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ देखेंगे तो इस तरफ भजन होता है और अगर आप उस तरफ देखेंगे तो वो है, वहाँ पे होती है अजान, एक मज़ार है। अगर आप इधर देखेंगे तो ये है संकट मोचन मंदिर। तो ये हमारे हिंदुस्तान की सच्ची और अच्छी तस्वीर है। एक ऐसी जगह है जहाँ से हिंदू और मुसलमान दोनों आपसी प्यार मोहब्बत से मिठाइयाँ खरीदते हैं। कोई मुसलमान इधर मज़ार की तरफ जाता है और कोई हिंदू इधर संकट मोचन की तरफ जाता है। तो आप कब से यहाँ पर मिठाई बेच रहे हैं? बहुत दिन से बेच रहे हैं। यहाँ पे जो लोग आते हैं संकट मोचन में वो इधर भी जाते हैं क्या? हाँ जी हाँ। आपका क्या नाम हुआ? शंभू मालाकार। शंभू मालाकार, आपका जो फूल है वो एक तरफ जाता है या दोनों तरफ जाता है? दोनों तरफ जाता है। दोनों तरफ जाता है जी हाँ। तो आपको ये कैसी, ये जगह कैसी लगती है? अच्छी है। कोई यहाँ पे लड़ाई झगड़ा है? सब कुछ भी नहीं होता है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। उधर मुजाविर है और इधर बाबा पंडित जी हैं। इधर का आदमी आता है तो फिर उधर भी जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जन पांडे हुआ। सज्जन पांडे हुआ। तो यहाँ पे आप यहाँ कब से हैं? हम यहाँ जन्म से ही हैं। आप यहाँ जिस स्थान में है ये है रामनगर संकट मोचन मंदिर जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बगल में जलालुद्दीन बुखारी करके मज़ार भी है जी। लेकिन नवादा इतना दंगाई आतताइयों को झेला, लेकिन यहाँ पर आज तक कोई एक ईंट भी, एक प्रकार का कुछ नुकसान नहीं हुआ है। और दोनों हम लोग सब हैं जो मेल जोल से रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सब भाई हैं, मिलजुल के रहते हैं। देखिए अगर हम इस दीवार की बात करें तो इस तरफ संकट मोचन और उस तरफ मज़ार। देखिए ये है संकट मोचन टेम्पल। कैसी जगह जहाँ पे प्यार है, मोहब्बत है और आपसी इत्तेफाक है। यहाँ पे लोगों में लड़ाई नहीं होती। अगर आप इस तरफ से देखेंगे, मैं आपको इधर दिखाता हूँ, तो ये है मंदिर और वो जो बाउंड्री है आपको दिख रही है वो मज़ार की बाउंड्री है। तो मतलब ये होता है कि अगर आप इस पेड़ को देखेंगे, ये एक ऐसा पेड़ है जो दोनों तरफ साया देता है। मज़ार में लगा हुआ पेड़ मंदिर वालों को भी साया दे रहा है। और आपको अंदर चल के दिखाते हैं, ये जो खादिम लोग हैं ये उनकी मज़ार है। इधर में मज़ार है हज़रत सैयद शाह जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की। ये देखिए ये है वो बरगद का पेड़ और इधर में है वो मज़ार। यहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं और उस तरफ लोग घंटी बजाते हैं। वो बाउंड्री है और इस तरफ आपको दिखाते हैं ये मंदिर और इस तरफ मज़ार। इस तरफ लोग फातिहा पढ़ने के लिए आते हैं और इधर लोग संकट मोचन में पूजा करने आते हैं। ये जो तस्वीर है ना वो आपको हर जगह नहीं मिलेगी। ये वो तस्वीर है जो बहुत प्यारी और बहुत अच्छी तस्वीर है। और आप कौन है? सर मोहम्मद शाहनवाज आलम। मोहम्मद शाहनवाज आलम जी हाँ। तो आप यहाँ के क्या हैं? हम लोग यहाँ खिदमत गुजार हैं, देखभाल करते हैं, जलाने की खिदमत गुजार हैं जी हाँ। तो यहाँ पे ये कब से मज़ार है? ये बहुत पुरानी है। अच्छा। चौदह शरीफ से अजमेर जब उर्स होती है ना, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ जी, जी। उन्हीं के सिलसिले से है। तो अगर हम मतलब कि हम बात करें तो कितने 100 साल की मज़ार होगी ये? 200 बरस। यहाँ पर का माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है। सभी हम लोग भाईचारे से मिलजुल कर रहते हैं, कोई इधर कोई तरह की तकलीफ नहीं, सब एक जगह रहते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं। सब हम लोग एकदम भाईचारे की जैसा, कोई दिक्कत नहीं, इधर कोई परेशानी नहीं, एकदम बहुत शांति सकून।
सुकून है एकदम। हाँ जी बहुत फर्स्ट क्लास। तो आप लोग की बातचीत इधर होती है इधर वालों? हाँ बातचीत हमेशा, अरे हम लोग आना जाना करते रहते हैं। हम यहाँ उर्स होते हैं बाबा के रज्जब के दिन, वो सब उधर के आदमी इधर लोग आते देखभाल देखते हैं करने के लिए, उधर के लोग यहाँ आते हैं। हाँ मंदिर में भी जाती है? मंदिर मस्जिद दोनों जगह जाते हैं। मंदिर और मस्जिद दोनों जगह एक ही है? बिल्कुल भगवान एक, भगवान एक ही है। स्कूल में पढ़ाते हैं हम, टीचर हैं जी जी, बच्चा लोग को भी सिखाते हैं कि हम लोग सब एक हैं। तो दोस्तों हिंदुस्तान की इस प्यारी सी तस्वीर पे आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।